पहले हमें जानना चाहिए कि कोरोना वायरस होता गया है, ठीक है? ये क्यों इतना घातक है, ये कहाँ से आया है? सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है कोरोना वायरस जो है, नोवल वायरस क्यों बोला गया, ये नया तरह का स्ट्रेन है। कोरोना वायरस जो है वो एक वैसे कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना ही वायरस है, बट ये डिफरेंट स्ट्रेन है, ठीक है? कि हमारी बॉडी को अभी इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला था इस तरह के वायरस से। ये थोड़ा अलग टाइप का आरएनए वायरस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको एकदम झेल नहीं पाती है, ठीक है? तो हमारी बॉडी इसलिए इसलिए इतनी मोर्टैलिटी एक्सपोज नहीं थी, ठीक है? इसी वजह से आप देख रहे हैं इतनी मोर्टैलिटी रेट इसलिए इतना ज्यादा है। अब क्या है कि अभी हम लोग इस वायरस को एक्सपोज हो जाएंगे, या धीरे धीरे इस एक्सपोजर हो ही रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो मे बी आने वाले 1-2 सालों के बाद ये वायरस हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? तो तब उसके बाद हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कोरोना वायरस है, ये बाकी सारे फ्लू की तरह हो जाएगा। जैसे हमारे को सर्दी जुकाम होता है ना, उतना लेवल का ये वायरस बन जाएगा। पर तब तक तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इससे थोड़ा लड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है? आप इसको ये समझो कि हम एक वायरस से लड़ाई ही कर रहे हैं, तो हमें वायरस से लड़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है? जैसे कोई हम लोग जंग में जाते हैं, सोल्जर जाते हैं जंग में, तो तैयारी करते हैं ना, वो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हाँ दुश्मन को हराना है। तो वही हमारी स्टेज है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो दुश्मन है वायरस वो हार पाएगा, ठीक है? और इस लड़ाई में जो कमजोर लोग हैं वही इसके विक्टिम बनेंगे। ये बात आप समझ लो, अपने उसमें डालो दिमाग में, जो कमजोर लोग हैं वही इसका विक्टिम बनेंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बनने से मतलब है मेरा, फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जो लोग मेंटली वीक हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली वीक, दे कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड विद दिस वायरस, ठीक है? सो दोनों चीजें जरूरी हैं, हमें फिजिकली स्ट्रांग भी बनना है और मेंटली स्ट्रांग भी बनना है, ठीक है? तो हमें तैयार कैसे होना है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें तैयार होना है, हमें स्ट्रांग बनना है, ठीक है? तो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जो 19 की बात कर रहे हैं, COVID-19 जो है, ये एक तरह का फ्लू वायरस ही है, ठीक है? ये एक फ्लू वायरस है, बट ये नया स्ट्रेन है। इतनी बात, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बीच बीच में। मैं वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, अगर डुअल साइड, दोनों साइड से कन्वर्सेशन होगा तो इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा, ठीक है? सर, हमें कुछ जानना है डाउट कि है आप हमें पूछिए। जानना है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। एक तो हमें जानकारी है कि हम मास्क लगाए, वो हम लगा कर अपने हाँ जैसे, दूसरा हम वैक्सीन लगवाए बिल्कुल हैं और सब लोग एक एक करके लगवा भी रहे हैं जिसका जैसा एज वाइज आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है सैनिटाइजर लगाए, हाथ धोए, फिर भी अगर संक्रमित हो गए, जैसे हमारी टीम में अभी संगमित्रा जी हैं, सी है ज्वाइन, उनकी एज आई थिंक 55+ या 60 अराउंड होगी, नॉट एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं मुझे ठीक 2 दिन है, से फीवर आ रहा है, तो अगर वो दो फीवर दिन आ से गया ठीक उनको तो हाउ सिविल, अब उनको क्या करना चाहिए? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है। पहले तो देखो, आप जब आपका आपको ये स्टार्ट हो जाता है फीवर, सबसे पहले आपको अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, ठीक है? सुबह शाम का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर दो। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप ऑक्सीजन नोट करना शुरू कर दो, और अपना D1 से काउंट करना शुरू कर दो। टाइमिंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ये जो वायरस बता रहे हैं 10 डेज तक रहता है बॉडी के अंदर। पहला पहला आपको काम करना है कि आपको टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है? दूसरा आपको हो गया, आपको सैचुरेशन ऑक्सीजन का नोट करना है, ठीक है? और आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने आप से भी। अगर आपको फीवर है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फिर आपको अपना देखना है कि कितने दिन तक फीवर जा रहा है। अगर आपका 99 तक लगभग फीवर रहता है तो इट्स नॉट टू वरी। अगर आपका बीच में 100 क्रॉस होता है फीवर, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि अगर 100 आ रहा है तो मतलब इसका मतलब बॉडी आपका मतलब ज्यादा अटैक हो रहा है, ठीक है, वायरस का। तो जो 5 दिन की विंडो होती है इसके अंदर, 5 डेज का विंडो होता है इसके अंदर, ठीक है, 5 डेज के अंदर अगर आपका फीवर खत्म हो जाता है तो मतलब आपकी बॉडी ने बॉडी लड़ चुकी है। अगर आपका फीवर 5th डे के क्रॉस हो जाता है तो वो थोड़ा अलार्मिंग ज्यादा है ये, ठीक है। 6th डे में अगर आपको फीवर आ जाता है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो 6th डे के बाद तो आपको ये है कि आपको आपको मेडिकेशंस का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका 5th डे तक खत्म हो जाता है तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है फीवर, ठीक है। सैचुरेशन जो है इसमें लगभग 5th डे के बाद ही गिरना शुरू होता है, 5th डे तक ज्यादा सैचुरेशन गिरता नहीं है, काफी पेशेंट्स का 5th डे तक नहीं गिरता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो जब आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को अलग, आपको चलो पता लग गया फीवर में आप अलग हो जाते हो, वो तो जरूरी है ही, तो साथ साथ आप क्या करोगे, आपको जो एक्सरसाइजेस करना है, क्या करना है, 2 तरह की एक्सरसाइजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होती है इसमें लंग्स की पल्मोनरी एक्सरसाइजेस, एक 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 फोकस होगा आपका पल्मोनरी एक्सरसाइजेस पे और दूसरा फोकस होगा आपको जनरल एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। 2 तरह के एक्सरसाइजेस करने की जरूरत होती है। तो आप जब आपको फीवर आ रहा है तो आप डे 1 से आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दो, पल्मोनरी मतलब लंग्स की एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो पल्मोनरी एक्सरसाइजेस आपको डे 1 से ही शुरू कर देनी है। अगर हम डे 1 से पल्मोनरी एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं तो हमारा लंग्स काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर इन केस थोड़ा बाद में हमारा फीवर भी बढ़ेगा, कुछ भी होता है, तो हम लोग पहले से हम अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं तो हमारा डैमेज कम होगा, और उससे ये फायदा है कि आपका जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा कम जाएगा अगर आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो पल्मोनरी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, पल्मोनरी एक्सरसाइजेस होती है हमारी लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइज, हम अपने लंग्स को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है। उसके साथ साथ हम जनरल एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। जनरल एक्सरसाइजेस में आपके क्या क्या आता है, जनरल एक्सरसाइजेस में आपकी आती है स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, जो आप अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथनिंग, आप अपनी मसल पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है हम लोग एरोबिक्स करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग भी एरोबिक्स एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो ये हमारा सारा जनरल एक्सरसाइजेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं पल्मोनरी एक्सरसाइजेस कैसे कैसे क्या क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो लंग्स, लंग्स क्या है हमारा, ठीक है। लंग्स के अंदर 2 चीजें होती हैं। लंग्स क्या होते हैं, ऐसे खुलते हैं फिर बंद होते हैं, ठीक है। इस जब हम लंग्स हमारे खुलते हैं उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब हमारे लंग्स क्लोज होते हैं पास आते हैं तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन फेज, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, जब इंस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हो आप, तो उसमें ज्यादा एयर एंट्री होती है। तो लंग्स की बात कर रहे हैं हमें, पहले लंग्स को समझना चाहिए कि लंग्स होता कैसे है, ठीक है। जब आप अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आप अपने आप को ज्यादा समझ पाएंगे और आप अपने अपने आप को थोड़ा ढंग से एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लंग्स की जो एनाटॉमी हम बात करते हैं, ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं हमारे 10 लोब्स होते हैं, ठीक है। 5 लोब्स होते हैं हमारे राइट साइड में, 5 लोब्स होते हैं हमारे लेफ्ट साइड में, 10 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक जैसे अपाइकल होता है, मिडल लोब होता है, लोअर लोब होता है, उसमें भी एक एक सेगमेंट को होता है। तो 5 लोब हमारे लेफ्ट लंग में है, 5 लोब हमारे राइट लंग में, ठीक है। तो क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, पहले एक्सपेंड करते हैं और फिर कोलैप्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये बॉडी हमारी बिना इच्छा के करती रहती है। जैसे हमारा हार्ट है,
हार्ट भी हमारा अपने आप बीट करता है, वैसे हमारे लंग्स जो होते हैं अपने आप चलते हैं। हम लोग सोते हैं तब भी हमारे लंग्स खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक प्रोसेस होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोनॉमिक प्रोसेस है। तो अगर अगर मान लीजिए अगर आपकी जो लंग है, लंग्स में मान लीजिए कुछ भर जाता है, समझ रहे हो, या समझिए कंजेशन आ जाता है, बलगम आ जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर बलगम आ गया तो आप समझ रहे हैं आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, राइट। लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो मतलब हमारे लंग्स में मान लो 3 लीटर एयर आ रही थी पहले, तो वो अब मान लो बलगम आने के बाद 2.5 लीटर ही एयर आ पा रही है या 2 लीटर एयर आ पा रही है। तो आप समझ रहे हो कि हमारे को जो अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी ऑफ एयर हमारी कम हो जाएगी कि हमारे लंग्स में जगह नहीं बची है। ठीक है, दिस इज हाउ कि हमारे लंग्स कैसे डिसफंक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो कंजेशन आ गया, ठीक है, कंजेशन हो गया, स्पूटम आ गया है। ठीक है, और ज्यादा जैसे वर्स्ट कंडीशंस होती हैं, जैसे कोविड में भी देखा गया कि निमोनिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन हो जाता है, पानी बन जाता है। हम बोल रहे हैं ना कि लंग्स में पानी आ जाता है, तो क्या होता है, वो इफ्यूजन होता है, पल्मोनरी इफ्यूजन। ये क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी जब वायरस से लड़ती है तो वायरस को खत्म करने के लिए वो क्या करती है, एक्सुडेट करती है, पानी निकालती है लंग्स में। वो एक एक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म है, पर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर पानी आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लंग्स में एकदम भारी भारी फील होगा। ठीक है, लंग्स एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, आपके लंग्स भी नहीं खुल पाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इफ्यूजन में। तो इफ्यूजन तो बहुत डेंजरस स्टेज है। ठीक है, अगर हमें कंजेशन हो रहा है तो हम उसको वहीं पे ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इफ्यूजन अगर हो जाता है तो फिर थोड़ा लंबी कहानी चलती है, वेंटिलेटर हो सकता है, ट्रैकेस्टोमी होगी, वो सब चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें हल्का सा भी कंजेशन फील होता है तो हम उसको उसी टाइम पे सतर्क हो जाएं, हम उसी टाइम पे अपने लंग्स को रिवाइव कर लें। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो कंजेशन आपको समझ आ गया, कंजेशन होता है जैसे बलगम चमने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। देखो, पहले जो होता है इन्फेक्शन जो आता है, हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऊपर वाला, वो हम उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये हमारा शुरू होता है नाक से, नाक से शुरू होता है, हमारे गले में जाएगा, थ्रोट में जाएगा, हम लोग इसको यहाँ तक, इसको ट्राकिया तक बोल सकते हैं। ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जो ट्राकिया से नीचे जो सारा है, लंग्स के अंदर तक का सारा हिस्सा है, इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पहले, देखो हमारा जो वायरस घुसेगा वो हमारे ऊपर से ही घुसेगा। ठीक है, जब आपको क्या हो रहा है, गला खराब हो रहा है, जुखाम आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वायरस आपके आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम उसी टाइम पे सतर्क हो जाएं तो हम उसको वहीं खत्म कर सकते हैं, हम वायरस को वहीं किल कर देंगे, तो वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हो आजकल बोल रहे हैं कि स्टीमिंग करो, ठीक है, स्टीमिंग करो, गार्गल करो, ये सारे जो मेथड्स बताए जा रहे हैं ये सब उसी चीज के लिए हैं। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखने के लिए, वायरस फ्री रखने के लिए है। ठीक है, ये सारे जो इंटरवेंशंस आप सुन रहे हैं कि स्टीमिंग करना है, गर्म पानी पीना है, ये सारा हमारा जो काम है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में से वायरस खत्म हो जाए, वो हमारे नीचे मत जाए। ठीक है, काफी लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, बट फिर भी क्या हो सकता है, वायरस अंदर जा सकता है, वायरस जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई फुल प्रूफ कोई मेथड नहीं है कि हम लोग बस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करते रहें, हमारे लंग्स में नहीं जाएगा, ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है।
इतने लोग गार्गलिंग कर ले, इतने लोग गर्म पानी पी रहे हैं, फिर भी उनको हो रहा है, उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब उनके लंग्स में उनके लंग्स में वायरस घुस रहा है। ठीक है, अगर लंग्स में अगर वायरस घुस गया है तो क्या क्या फीलिंग होगा? आपको चेस्ट हैवी शुरू हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकते हैं, चेस्ट में आपको थोड़ा इधर पेन भी आ सकता है, ब्रीदिंग करेंगे तो पेन फील होगा कि लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग होगा जब आप चलेंगे। ठीक है, जब आप चलेंगे आपको आपका सांस फूलेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा दूरी चलेंगे, पहले आपको नॉर्मल लगता था इतना चलने में, अब चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सांस फूल रहा है, थक रहे हो, थकना स्टार्ट हो जाएगा। ये इनिशियल साइंस होते हैं इसके कि हाँ आपका लंग्स थोड़ा अफेक्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आप को पहचानना है कि मुझे मेरे कौन से हिस्से में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको अपने साइंस को पहचानना है, आपको ये समझना है कि अभी मेरे को कहाँ दिक्कत है, मेरे कौन से हिस्से में दिक्कत आ चुकी है। अगर आपके गले में दिक्कत है तो आप गले का इलाज करिए, अगर आपको यहाँ पे हैवीनेस स्टार्ट हो गया तो आप यहाँ पे फोकस करना शुरू कर दो कि हाँ भैया मेरे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा दिक्कत आ गया है, तो मुझे अटेंशन चाहिए, अब मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? आप लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाए तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हमें लंग्स को लंग्स की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ये जो मैं आपको सिखा देता हूँ कुछ एक्सरसाइजेस लंग्स के लिए पहले। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम सांस को अंदर भर लेते हैं लंग्स में, जैसे अब मैंने ये किया। ठीक है, जब मैंने ऐसे किया तो मैंने अपने लंग्स को मैक्सिमम हवा भर लिया। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम इसको करते हैं जितना हम लोग भर सकते हैं लंग्स के अंदर, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको रोकते हैं, सांस को हम रोकते हैं, ताकि क्या होता है जो वो प्रेशर है उतना मेंटेन रहे हमारे लंग्स के ऊपर, और वहां पे जब हम एयर को होल्ड करते हैं तो हमारा जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो भी होता है। जितना हम उसको सांस को रोक रखेंगे तो हमारी बॉडी का सैचुरेशन बढ़ेगा, जितना आप रोकेंगे और एयर लेके और होल्ड करेंगे उतना आपका सैचुरेशन भी बढ़ता है इसमें, गैस एक्सचेंज ज्यादा होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब, इसको इस एक्सरसाइज को करेंगे कैसे? मैं बीच में बोल, इस एक्सरसाइज को हम करेंगे कैसे? आपको जब थ्योरी समझ आ जाएगी तो आप अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे आप अपना। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। इसको होल्ड किया मैंने, इसको हम लोग मतलब हाफ अ मिनट तक कर सकते हैं, हाफ अ मिनट 30 सेकेंड भी कर सकते हो, 40 सेकेंड तक कर सकते हो, इतना करना एडवाइजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाक से आपको एयर लेना है ताकि हमारी जो एयर है फिल्टर होके जाए अंदर। और फिर हमें मुंह से छोड़ना है। ठीक है, मुंह से जब छोड़ते हैं इसको स्लो छोड़ना होता है, जैसे हम फूंक मारते हैं इस तरह से हमें हवा छोड़नी होती है। ठीक है, तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार में 5 से 10 बारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग। उसके बाद एक एक्सरसाइज और बताता हूं मैं आपको, एक हम लोग करते हैं ब्लोइंग आउट। आप कोई जैसे पेपर ले सकते हो, ठीक है, आपने जैसे कोई पेपर ले लिया, आपने आगे ऐसे पकड़ा है, ठीक है, और फिर हमें इसको ब्लो करना है, फूंक मारेंगे जैसे। तो ये ब्लोइंग एक्सरसाइज है, इससे क्या करते हैं हम लोग अपने जो लंग्स की गंदगी है, गंदगी बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जम रहा है उसको बाहर निकालने का ये टेक्निक होती है। ठीक है, इसको ब्लोइंग एक्सरसाइज बोलते हैं, इसको भी आप एट अ टाइम 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हो।
ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइजेस काफी जरूरी हैं। एक तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई जिसमें आप सांस खींचते हैं और फिर उसको रोकते हैं, ठीक है। आप इसको 10 सेकंड तक भी, 10 से लेके 40 सेकंड तक आराम से रोक सकते हो, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर। और जैसे जैसे आप करोगे, आप अपना धीरे धीरे जो होल्डिंग पीरियड होता है वो आप उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। एक आपकी होगी ब्लोइंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको फूंक मारनी है, ऐसे स्लो करना है, पर कॉन्स्टेंट लंबा टाइम, जितना आप लंबा टाइम फेस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। इसे ये किया हमने, ब्लोइंग किया, ठीक है। तो अराउंड आप लोग कर सकते हो 5 से 12 सेकेंड तक का आराम से आपका ये ब्लोइंग आउट एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे, एक आपको मैं बताता हूं इसमें, ये एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग अपनी आर्म्स का यूज करते हैं। आर्म्स का हम जब यूज करते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, ठीक है। ये भी पल्मोनरी एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं, सांस खींचेंगे और हाथ ऊपर जाएंगे आपके, और वही आपको होल्ड करना है इसमें, सेम वही है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही है ये भी, बट हमने इसमें अपने आर्म्स को इन्वॉल्व कर दिया है, ताकि क्या, जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है खुलने के लिए, ठीक है। तो वही सेम ऐसे है, हाथ उठाएंगे और सांस खींचेंगे, ठीक है। एक हम लोग आगे से करेंगे, एक हम साइड से भी करते हैं, ऐसे हम साइड से हाथ उठाएंगे ऊपर की तरफ और सांस खींचेंगे, इसमें भी हमें कोशिश करना है जितना ज्यादा हम होल्ड कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये सारी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, बट ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के वेरिएंट्स हैं, जिसमें आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आपके लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हम हाथ को उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगर आपको कंजेशन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है मतलब आपको थोड़ा लग रहा है कि मेरे लंग्स में थोड़ा सा बलगम या कंजेशन स्टार्ट हो गया, तो आजकल फेमस हो रहा है ये चेस्ट पीटी करते हैं, सेल्फ भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं आप लंग्स को, पहले तो आप अपने हाथ को देखो कैसे कपिंग करते हैं। हम लोग कभी भी जब चेस्ट की प्ले करते हैं हम ऐसे सीधा हाथ रख के नहीं करते हैं, हमें ऐसे कपिंग करना होता है ताकि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब हम लोग इसको टैपिंग करते हैं तो एयर इसका काम करती है, एयर से ही, एयर का प्रेशर से वो लूजनिंग होता है। तो कभी भी आप जब करेंगे तो आपकी हाथ की पोजीशन कपिंग वाली होनी चाहिए, बीच में फॉलो होना बहुत जरूरी है। ऐसे करके मत कीजिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, जब तक वैक्यूम नहीं होगा जब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे वैक्यूम फॉलो करना है और फिर हम इसको ऐसे से, अब मैं अपने लेफ्ट लंग के लिए कर रहा हूँ, तो हम इसको टैप करेंगे जहां आपको कंजेशन ऐसे फील होता है उधर उधर, आप फ्रंट से अपने अपोजिट हैंड से टैप कर सकते हैं, ठीक है। जो लंग्स का एरिया होता है वो यही होता है, ठीक है। तो ये एरिया होता है तो इसको हम इस तरह से टैपिंग कर सकते हैं, एक बार में आप इसको 10 से 30 बार ही कर सकते हैं टैपिंग, ठीक है। जितना कंजेशन है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। देन अपोजिट राइट लंग के लिए आप लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, कपिंग बनाना है पहले और फिर आपको इस तरह से टैपिंग करना है,
ठीक है, ये आपके दोनों हिस्से हो गए। उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारा ये मिडल लोब का एरिया होता है, यहाँ पे हमारे मिडल लोब्स होते हैं दोनों साइड के, तो हमें यहाँ पे भी करना जरूरी होता है, वही कपिंग करना है आपको, और फिर आपको ऐसे इस तरह से टैपिंग करना है। ये आपका मिडल लोब का एरिया होता है, यहाँ तक हमारा हाथ आराम से जा सकता है। ठीक है, और राइट साइड के मिडल लोब के लिए हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। भाई आप इसको 10 से 30 30 टाइम्स आप कर सकते हो एक चीज के लिए, एक एरिया के लिए। ठीक है, ये तो आपके होगी सजेशन के लिए हो गया। ठीक है, जो पेशेंट नहीं कर सकते हैं आप अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप नहीं कर सकते हो, तो आप अपने जो भी आपके आसपास हैं फैमिली मेंबर्स उनके आप हेल्प ले सकते हो कि करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिवली भी कर सकते हैं, इसको हम पैसिवली भी करवा सकते हैं किसी और से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लंग्स का। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी वीडियो में सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हाथ वाली एक्सरसाइज, उसमें कटोरी बनाना जरूरी है। ये कटोरी बनाना बहुत जरूरी होता है, जब अगर हम ऐसे करते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपने स्किन को दर्द दोगे, कटोरी बनाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे जब हम बोलो बनाते हैं, हम जो ये करते हैं तो एयर का प्रेशर होता है ना, उसी से लूजनिंग होती है। ठीक है, आप एयर को कंप्रेस करते हैं, जब आप ऐसे करते हैं तो आपको देखो एक साउंड भी आ रही है, तो यहाँ पे एयर कंप्रेशन फोर्सेस होती है, जो एयर कंप्रेशन फोर्सेस होती है वही वही चेस्ट को लूज करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कपिंग ना चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत मेन हिस्सा होता है, अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम, आपको ये जो है पल्मोनरी एक्सरसाइजेस जो है आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जब फीवर हो तभी करना है, अभी के टाइम पे देखो पेंडेमिक चल रहा है तो सभी लोग अफेक्ट हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, एनी एवरीबॉडी इज हैविंग 100% प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होने का। ठीक है, तो सबके लिए एडवाइजेबल है कि आप अभी से अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लो, गिव योरसेल्फ अ 1 आवर एक्सरसाइज टाइम एवरी डे, 1 घंटा अपनी तबियत के लिए आप दोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने लिए 1 घंटा निकालो, कभी 1 हफ्ता 1 घंटा रोज निकालिए, बिना नागा, कोई नागा नहीं करना है, कोई मिक्स नहीं करो, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज पे टाइम दोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप में से कोई भी बीमार नहीं होगा। अगर कोई बीमार होगा तो थोड़ा बहुत होगा, वो निकल जाएगा। अगर कोई शुगर का पेशेंट भी है ना, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा उसको कुछ नहीं होगा। ये सारा खेल एक्सरसाइजेस का ही है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का इतना फ्लूड मूव करता है, आप समझ रहे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ता है तो आपकी जो एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, चलो ये आपका पल्मोनरी एक्सरसाइजेस हो गया। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आती हैं वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली पल्मोनरी एक्सरसाइजेस से काम नहीं चलेगा, आज जब हम जनरल एक्सरसाइज भी करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। जनरल एक्सरसाइजेस में क्या आता है, स्ट्रेचिंग आती है, स्ट्रेंथनिंग आती है, एरोबिक्स आती है। जब हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करेंगे तो हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है। जब हम अपने मसल्स को हिलाएंगे, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है, ये भी स्ट्रेचिंग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रेचिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, इस तरह की स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, खड़े होके भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एक जैसे ये है, ये भी स्ट्रेचिंग है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।
ये काइंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इसको, और स्ट्रेचिंग भी हो रही है, दोनों दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हम या स्ट्रेचिंग हम इसको बोल सकते हैं, ये भी आपको करना है। इससे आपके क्या होगा, ज्वाइंट्स मोबाइल रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा बॉडी में। जब आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडीज अच्छे से एंटीबॉडीज बना पाएंगी, ठीक है। एक बंदा है सारे दिन बैठा रहता है, ठीक है, एक बंदा एक्टिव बहुत है, तो दोनों की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेगी कोविड के लिए, वायरस को अलग रिस्पॉन्स करेगी। जो बंदा बैठा रहता है उसको शायद ज्यादा फीवर आएगा, और जो बंदा थोड़ा मोबाइल रहता है उसको थोड़ा कम आएगा, उसकी वो जल्दी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, इतना डिफरेंस आ जाता है इससे, ठीक है। तो एक तरह हो गया आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गया, ठीक है। और हम लोग इस तरह की रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे लेग रेजिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा जो एक्सरसाइजेस हैं आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब ये स्ट्रेचिंग को छोड़ के जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो वो एरोबिक्स का काम करेगा, ठीक है। एरोबिक्स का मतलब ये होता है जिसमें हमारी हार्ट रेट और लंग्स का जो रेट होता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, ठीक है। जब हम एरोबिक्स करते हैं हमारी सांस फूलती है, उससे क्या होता है हमारा जो लंग्स होते हैं वो और मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा इस पे फोकस दूंगा कि जो भी आप एक्सरसाइज करें थोड़ा स्पीडी करें, स्पीडी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लंग्स और मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके जो ब्लड फ्लो है वो बहुत बढ़ता है। जब आप स्पीडी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्लड फ्लो बहुत बढ़ेगा बॉडी के अंदर, उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो और बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो है जनरल एक्सरसाइजेस है, ठीक है, ये लोग सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, बड़े लोग भी कर सकते हैं, जो 50 अबव ग्रुप है वो भी ये सब एक्सरसाइजेस कर सकता है, या आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं, कुछ पकड़ लीजिए, कुर्सी पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये आई थिंक 50 प्लस वाले लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो मैं एडवाइस करूंगा बिलो 50 वालों के लिए भी, ठीक है। बिलो 50 वाले थोड़ा एडवांस एरोबिक्स भी कर सकते हैं। एडवांस एरोबिक्स में हम लोग जंपिंग्स कराते हैं, ठीक है, जंपिंग कराते हैं, उससे देखो काफी ये थोड़ा सा स्ट्रेनेस होता है, इसमें आपको थोड़ा अच्छा मसल पावर चाहिए। तो मे बी 50 प्लस वाले कर भी सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा 50 प्लस वालों को अलाउड नहीं है। इफ यू आर एबल टू डू इट गो फॉर इट, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट यू कैन डू दी जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइजेस बताई है उसी को, आप लोग थोड़े से यंग है थोड़े एक्टिव है उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा आप एरोबिक्स करो। जैसे आप देख रहे हो ये स्किपिंग है, जस्ट लाइक ए सिंपल ये एग्जांपल है, ठीक है, ये सिंपल स्किपिंग एक्सरसाइज है। इसमें मैं सिंपल टू लेग से जंपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल स्किपिंग एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद इसमें हम लोग कर सकते हैं हाथों का भी इन्वॉल्व कर लो, आप ऐसे हाथ रखो, देखो ऐसे हाथ रख के और मैं स्किपिंग करूंगा, ये इसका प्लस लेवल हो गया, आप लोग भी अपनी जगह पे ये प्रैक्टिस करके देखो तो आपको एक बार समझ आएगा। आप मुझे पता नहीं आप लोग भी कुछ लोग करते भी होंगे एक्सरसाइज ये सब, जो नहीं करते हैं उन लोगों में कहूंगा एक बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखो एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके लंग्स पे कितना इम्पैक्ट आता है इन एक्सरसाइजेस का। जब हम हाथ को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा थोड़ा सा रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, हमारी जो एक्सरसाइज के डिफिकल्ट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल स्किपिंग के दो वेरिएंट्स बता दिए मैंने, तो आप सिंपल स्किपिंग कर सकते हो,
एक आप ये हाथ के साथ भी कर सकते हो, एक वेरिएंट आपको मैं बताऊंगा जंपिंग जैक्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जंप के साथ अपने लेग्स को खोलते हैं और बंद करते हैं। आप शायद आप एक बार विजुलाइज कर लो, देखो मैं जैसे जंप कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मेरी लेग्स ओपन हो रही है जंप होके क्लोज, ठीक है। तो एक सिंपल बेसिक तो ये है कि हम लोग सिर्फ लेग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। आप इसको कर सकते हो एट ए टाइम, मैं एडवाइस करूंगा आप 20 से 40 रेपिटेशंस कर सकते हो एरोबिक्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना करने में। बाकी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। एक वेरिएशन ये हो गया, इसके बाद हम लोग एक वेरिएशन और कर सकते हैं इसके अंदर, जिसमें हम लोग आर्म्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वेरिएशन हो गया जंपिंग जैक्स। तुम लोग जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज बोलते हैं जिसमें आप जंपिंग करते हैं, राइट करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। मेरे भी सांस खुल गया आपके साथ बताने में, ठीक है। तो ये चार हैं, चार बहुत अच्छी एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं। इसमें जो है आपके लंग्स से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका जो ओवरऑल है ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके, जो किसी को अगर तो ये आपकी एरोबिक्स हो गई। और अभी हम लोग होम आइसोलेशन में हैं, हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, राइट। तो मैं रनिंग तो मैं सबको नहीं बोल सकता कि आप रनिंग करो या आप वॉकिंग पे, जो लोग फिजिबल हैं आपके आसपास ओपन स्पेसेस हैं आप वहां पे वॉकिंग भी कर सकते हो, थोड़ा फास्ट वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग पे भी जा सकते हैं, और आप रनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एडवाइजेबल है, बट ये सबके लिए एडवाइजेबल मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कहीं जगह लॉकडाउन भी लग रहा है, कहीं जगह लॉकडाउन नहीं भी है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं कि आप अपनी फिटनेस पे कैसे ध्यान दे सकते हो। कि ये सारा जो सेगमेंट था सेकंड वाला, ये जनरल फिटनेस एक्सरसाइजेस हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा एरोबिक्स वाला जो कॉम्पोनेंट था ये इसका लंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो एरोबिक्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एरोबिक्स करोगे इन तीनों एक्सरसाइजेस में से तो भी आपका काम चल जाएगा। आप स्ट्रेचिंग मतलब नहीं भी करते हो, आप खाली एरोबिक्स करोगे तब भी आपकी फिटनेस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तो डेवलप हो ही जाएगी, ठीक है। पूछे किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में पूछ सकते हो आप। सर मैं पूछना चाहूंगा, तो सुबह करना ही जरूरी है, शाम को भी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत होगी? इसका देखिए कोई मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, खाना खाने के बाद इमीडिएटली मत करिए, खाना खाने के बाद आप 15 से आधा घंटे का ब्रेक देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब हम 15 से आधे घंटे का ब्रेक देते हैं तो खाना हमारा थोड़ा नीचे चला जाता है इंटेस्टाइन्स में, जब खाना हमारे स्टमक में होता है तो अगर हम थोड़ा उछल कूद करेंगे तो स्टमक से बाहर उल्टी के फॉर्म में आ सकता है। लो एक्सरसाइज कर सकते हो, जंपिंग जैक्स जैसी एक्सरसाइज नहीं करनी आप, बाकी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो ऐसे ऐसे, ये जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं ये आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब फिर भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी आप थोड़ा गैप दीजिए, मतलब आप रूल बना सकते हो कि 15 से आधा घंटा की एक्सरसाइज टाइम में मत करिए खाना खाने के बाद, बाकी आप सब किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको ऐसे भी एडवाइस करूंगा, आप लोग वर्किंग लोग हैं तो आप ऐसे थाई से तीन बार भी कर सकते हो एक्सरसाइज, एक बार आप सुबह कर सकते हो, एक बार घर जाके कर सकते हो, एक बार ऑफिस में भी कर सकते हो। यू कैन डू इट लाइक 3 times अ डे, इससे ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपको स्केड्यूल आपको अलाउ करता है तो, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। वो आपका आप ये ध्यान में रखिए कि आप टारगेट करिए कि आप रोज आप अपने बॉडी पे 30 से 60 मिनट का टाइम दे रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बॉडी पे कितना एक्सरसाइज दे रहे हो ये ज्यादा मैटर है, कि आपको कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ओवरऑल। 24 आवर्स के अंदर
आप 30 मिनट्स आपका मिनिमम है, ठीक है, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज मिनिमम है, 30 मिनट से आपका 60 मिनट्स तक का टाइम चाहिए है कि आपको इतना एक्सरसाइज करना ही है, तो लगभग आपका आधा घंटा तो हो जाना चाहिए। ये WHO का गाइडलाइन आया कि 30 मिनट्स का एक्सरसाइज रोज करना है, और ये काफी काफी लोग डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि मिनिमम आप 30 मिनट्स का एक्सरसाइज रोज। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सर, बच्चों को भी करवा सकते हैं ये, सपोज जनरल्स तो करें, बच्चे भी? बच्चों को बिल्कुल करा सकते हो। अभी वैसे जो स्ट्रेन है ये वाला, ये बच्चों पे असर नहीं कर रहा है ज्यादा, इसके बाद जब अगला स्ट्रेन आएगा वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता है, उस टाइम पे वो शायद बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो पिछला वाला स्ट्रेन था उसमें सिर्फ एल्डरली अफेक्ट हुए थे, आपको याद होगा ना, यंग लोगों को कुछ नहीं हो रहा था, ये मॉडरेट इम्यूनिटी वालों को भी अफेक्ट कर रहा है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे एक तो माइंड टेंशन नहीं होता बच्चों के माइंड में, ठीक है, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों के अंदर कोई एडिक्शन नहीं होता, ना वो स्मोकिंग करते हैं ना ड्रिंकिंग करते हैं, तो इन वजह से बच्चों की इम्यूनिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, दे हैव हाई इम्यूनिटी, ठीक है, इसलिए अभी बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बाकी है, 1 साल तक के कम बच्चों में थोड़ा सा रिस्क होता है, जो नवजात होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं ना, 0 से 6 महीना लगा लो या क्या 1 साल लगा लो, उसमें थोड़ा सा बच्चों में रिस्क होता है, हाँ, बाकी 1 साल के बाद के वाले बच्चों में इतना रिस्क नहीं है। आप एक्सरसाइजेस करवाइए बच्चों को, जो बच्चे कर सकते हैं, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मेरे एक 2.5 साल का बेटा है और एक मेरी 11 महीने की गुड़िया है, उनके साथ कूदता हूँ, मतलब आई फोकस, क्योंकि बच्चे खेलेंगे ना तो आप उनको जंपिंग जैसे करा सकते हो, उनके साथ थोड़ा भाग दौड़ कर सकते हो, बैट बॉल खेल लो या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। बच्चों को एक्सरसाइज जरूर कराइए, क्योंकि बच्चे जितना खेलेंगे कूदेंगे उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी ध्यान जरूर रखना है बच्चों को भी, मतलब थोड़ा ये है कि आप थोड़ा उनको भी क्लीन एनवायरमेंट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना रिस्क नहीं है अभी इस वेव में, तो रिस्क नहीं बता रहे, कोई बच्चे का केस तो नहीं आ रहा है अभी, तो ये है कि जो शुगर इम्पैक्टेड है, जिनको शुगर है, या ओबीज लोग हैं, जिनको या हाइपरटेंशन, मोटे लोग हैं थोड़े, और जो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब जो जो लोग अभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को ही ज्यादा पकड़ रहा है, उन लोगों में ही मोर्टैलिटी या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रहे हैं। ओके सर, अच्छा, हाँ जी, ये हो गया। आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया है कि आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा, ठीक है। जनरल एक्सरसाइजेस करनी है आपको, जनरल एक्सरसाइजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे एरोबिक्स ही है, कोरोना के टाइम में तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एरोबिक्स करो, और जो लोग एरोबिक्स नहीं कर सकते, जो मैंने फास्ट एरोबिक्स बताए हैं, वो लोग वॉकिंग कर सकते हैं, आप अपने मतलब कमरों में ही वॉक कर सकते हो, मैं ये बोलूंगा जो लोग नहीं कर सकते कमरों में वॉक कर लो, और जो एक्सरसाइजेस हैं ये थोड़ा फास्ट फास्ट करोगे तो आपके ब्रीदिंग बढ़ेगा, तो वो भी एरोबिक्स का ही एक्सरसाइज है, ठीक है। आप बेड पे लेट के लेग्स को ऊपर नीचे कर सकते हो फटाफट, ये भी एरोबिक्स है, मतलब ये ना लो इम्पैक्ट एरोबिक्स होते हैं, इसमें ज्यादा लंग्स से जोर नहीं पड़ता, पर ये है कि कुछ जोर जरूर पड़ता है, ये उन लोगों के लिए जो मतलब ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो उछल कूद कर सकते हैं वो खड़े होकर एक्सरसाइजेस करें, वो ज्यादा अच्छी है, स्किपिंग करें, जंपिंग जैक्स करें, ये मैं खुद भी यूज करता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं काफी सारे एक्सरसाइजेस पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मुझे अभी तक कोरोना के टाइम में सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस यही लगी मुझे फिटनेस के लिए, एरोबिक्स, और जो हम लोग होम आइसोलेशन एनवायरमेंट में कर सकते हैं, ये फिजिबल है, कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है हमें, तो हम अपने घर में दिन में 3-4 बार आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, और हाँ, अगर किसी को जैसे अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, 90 से ऊपर वाले तो लोग कर सकते हैं, जनरल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, बट अगर किसी का 90 से नीचे जब सैचुरेशन जा रहा है, प्लीज उनको बोलिए थोड़ा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करना है उनको ज्यादा, ठीक है, पल्मोनरी एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, जिन लोगों का 90 से नीचे चला जा रहा है सैचुरेशन, क्योंकि उनके लिए क्या, उनकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपका 85 में बंदा वीक फील करना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं आप,
85 हो जाता है तो बंदा वीक फील करना शुरू कर देता है, वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उनको आप बोलेंगे जनरल एक्सरसाइज करो, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उनको खाली पल्मोनरी एक्सरसाइजेस पे ही ध्यान देना है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्लोइंग एक्सरसाइज हो गया, आप हाथ दबा के उनको डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज पल्मोनरी एक्सरसाइज उनसे करवा सकते हैं। उनके लिए खाली पल्मोनरी एक्सरसाइज जरूरी है। और सर एक और सवाल, जेंट्स तो कर लेते हैं सर एक्सरसाइज, दे टेक सीरियसली आल्सो, सो महिलाएं नहीं करती हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन हो घर की? पुरुष कर लेते हैं, महिलाएं नहीं करती एक्सरसाइज। हाँ मतलब सीरियसली भी नहीं लेती कि यार नहीं करना है क्या करना, तो उसके लिए कुछ सजेशन। अगर महिलाएं बताओ, अगर आप महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, अगर महिलाएं ज्यादा शारीरिक काम करती हैं, ठीक है, तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो कोई महिला है, उसका सिर्फ लैपटॉप पे बैठने का काम है, ठीक है, वो घर का भी कोई काम नहीं कर रही है या कुछ भी नहीं कर रही है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जो महिलाएं घर का भी काम करती हैं, थोड़ा सा फिजिकल वर्क है उनका, भाग दौड़ है, तो उनका तो वैसे ही एक्सरसाइज हो जाता है। वो अगर थोड़ी सी और अपनी अपने स्टैबिल में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगी तो वो थोड़ा कोरोना प्रूफ हो जाएंगी। ये सब एक्सरसाइज आपको थोड़ा कोरोना प्रूफ करने के लिए ही है। अच्छा दूसरा एक और था सर, थोड़ा जैसे कुछ दोस्त हैं जो अल्कोहल लेते हैं, उनको लगता है यार अल्कोहल से मरता है तो हमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा कुछ है क्या सर? अल्कोहल से क्या होता है ना, देखो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल से वायरस तो मर रहा है, जो वो बात तो सही है, क्योंकि उसमें सर्वाइव नहीं करता है वायरस। मान लीजिए वायरस अंदर घुस गया, जो बंदे शराब पी रहे हैं उनका इम्यूनिटी वैसे बहुत कम हो जाएगा। अगर मान लो वो खाली शराब पे डिपेंड हो जाएंगे, अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, ठीक है, आप देखो 30 के 30 दिन तो शराब नहीं पी सकता, 30 दिन जो शराब पिएगा उसका हालत क्या होगा, वैसे ही मर जाएगा। तो अब शराब कोई वो थोड़ी है, शराब को आप सैनिटाइजर समझते हो, कि हाँ आप शराब से अपने हाथ सैनिटाइज कर लो, बॉडी सैनिटाइज कर लो, पीने वाली हालत तो खराब हो जाएगी ना, लीवर और लंग्स तो लीवर और किडनी तो ऐसे चले जाएंगे, उसमें लंग्स से बचाने के चक्कर में आप दो ऑर्गन खराब कर लोगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जनरल फिटनेस एक्सरसाइज करिए, फ्रेश फूड खाइए, थोड़ा पैक्ड खाना को थोड़ा सा अवॉइड करिए, मीठा थोड़ा कम खाइए। जो स्पेशली जिनको फीवर हो गया है उसकी एडवाइजरी आई है कि आप थोड़ा सा ना मीठा कम खाइए, मतलब उनके लिए बोला है चावल रोटी आलू भी मत खाइए, आप फ्रूट्स खा सकते हो, और नट्स की एडवाइजरी आई है, नट्स खाइए आप, नट्स में फैट कम होता है, तो आप फ्रूट्स और नट्स, वेजिटेबल्स और नट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अगर आपको मतलब स्टार्ट हो गया कुछ, आप बोल रहे हैं ना एक मैडम को स्टार्ट हो गया 2 दिन से फीवर हो गया, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा ना जो कार्बोहाइड्रेट या ये वाला मीठा मत खाइए। हाँ बिल्कुल, उससे ना वायरस को वो मिल जाता है, ग्रो करने का चांस मिल जाता है, ठीक है, विटामिन जाएंगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जल्दी बनेंगे। क्लीनिंग ज्यादा होती है, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है क्लीन पास होती है, क्योंकि हमें मोशन भी अच्छा साफ क्लीन होगा, पेट भी आपका साफ होगा, इंटेस्टाइन भी एकदम साफ हो जाती है, अच्छा व्हाइटिश यूरिन आना चाहिए आपको, स्टूल भी आपका अच्छा होना चाहिए कलर उसका, तो उससे ये चीजें भी बहुत मैटर करती है कि आपका यूरिन और स्टूल का कलर कैसा है, कितना ईजी आ रहा है, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स। जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं हमारी बॉडी को इजी होता है डाइजेस्ट करना, हमारी बॉडी को इतना काम नहीं करना पड़ता। दूसरा था सर, जैसे लोग कहते थे कि गुड़ खाओ, थोड़ा जो देसी गुड़ होता है जैगरी, खा क्या लगता है जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? कोई भी चीज ज्यादा मत खाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा कोई चीज खाने की जरूरत है, ज्यादा गुड़ खाएंगे तो वो भी नुकसान है ना, है तो एटलीस्ट मीठा ही ना, वो भी तो मीठा ही, मतलब आप ये बोल सकते हैं गुड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ शुगर, एक अच्छा सोर्स है। मतलब अगर हम देखेंगे गुड और चीनी के अंदर, तो गुड हमें ऑब्वियसली अच्छा दिखेगा ना, गुड ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रिफाइंड शुगर। और अगर आप शुगर से ज्यादा देखेंगे तो मतलब हम लोग अगर ये खाते हैं रोटी खाएंगे तो थोड़ा और बेटर है, या हम लोग जो होल फूड होते हैं, होल फूड मतलब जिसके अंदर सब मिक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, साबुत साबुत जो खाना होता है ना उसको होल फूड, वो ज्यादा बेटर।
एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड फूड्स। ठीक है, शुगर के अंदर तो खाली शुगर ही होती है ना, उसके अंदर का वो कुछ नहीं है ना, प्रोटीन थोड़ी होता है चीनी के अंदर, तो आप प्योर फॉर्म में चीनी ले, खाली शुगर है तो इतना लेवल बढ़ जाएगा शुगर का बॉडी। ठीक है, हमें अपनी बॉडी का शुगर लेवल नहीं बढ़ाना है। ठीक है, मॉडरेट खाना है, हर चीज मॉडरेट में खानी है, कोई चीज ज्यादा नहीं खानी, ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर कि गले में हमेशा ये रहता है, प्रॉब्लम रहती है, रास हमेशा खास में वो हमेशा इस तरह का रहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? गर्म पानी, गले में खराश रहती है तो आप गार्गल करिए। ठीक है, गर्म पानी में गार्गल करिए, हल्दी डाल के गार्गल कर, हल्दी डाल के कर सकते हैं, डाल के मत करिए ज्यादा, नमक से आपका गला छिल जाएगा। ठीक है, नमक डाल के तो गला छिल जाएगा तो और दिक्कत हो जाती है, नमक डाल के लोग काफी करते हैं, उससे दिक्कत हो जाती है। आप हल्दी का यूज कर लीजिए, वो सेफ है। गार्गल कर सकते हैं गर्म पानी के, आप गरारे कर सकते हो, पानी पी सकते हो, गर्म पानी पीजिए। ठीक है, फ्रिज का खाना मत खाइए, फ्रिज से जो है ना निकाल के एकदम खाना मत खाइए, उसको रूम टेम्परेचर पे करिए या उसको गर्म करके खाना खाइए, ये सब चीजें करनी है। खराश रहती है तो और क्या बता रहे हैं, खराश रहती है और क्या रहता है, खांसी भी रहती है, खांसी नहीं रहती मतलब लगता है कुछ फंसा हुआ है इस तरह का, मतलब वो फिर फंसा हुआ है तो क्या होता है, जो कोरोना वायरस में होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब ये होता है कि जो हमारी सांस की नली है ना वो थोड़ी टाइट हो जाती है। ठीक है, सांस की नली थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो आपको यही वही मेथड यूज करने पड़ेंगे, गर्म पानी का सेवन करिए और गार्गलिंग करिए, इसी से ठीक हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वीडियो कंसल्ट करके डॉक्टर्स बता देते हैं आपको, प्रिस्क्रिप्शन लेके नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेबुलाइजेशन से भी वो चोकिंग जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। और बाकी मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप आपको कोई खास दिक्कत नहीं है तो आप अपना होम रेमेडी में आप यही कर दो, गर्म पानी पियो, गार्गलिंग करो आप। ठीक है, फिटकरी होती है उससे भी गार्गलिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा डाल के आप गार्गलिंग करो गर्म पानी की। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये इन्फ्लामेशन होते जो आप बता रहे हैं ना, गले में फंसा फंसा सा लग रहा है, तभी ना कभी देखो वायरस से तो कोई छूता नहीं होगा, सबको कुछ ना कोई कहना एक बार उसको, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही लेकिन लगता है कभी कभी फंसा हुआ है ऐसा करते। सही बोल रहे हो आप, अपने आप सही बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। मेरे को भी लगा था ये, इस तरह की फीलिंग आती थी, लास्ट ईयर भी हुआ था, मेरे को भी हुआ था, चोकिंग वाला फीलिंग आता था। तो इसका यही बेस्ट इलाज है, जब आप देखो एरोबिक्स करते हो ना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो और साथ में आप ये मेथड कर रहे हो, आप ये गार्गलिंग वाला वाटर ड्रिंकिंग वाला मेथड कर रहे हो और साथ में आप जब ये एरोबिक्स करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बॉडी सिस्टम जो होता है रिवाइव करेगा। ठीक है, आपका जो सिस्टम है फास्ट हो जाएगा, तो एंटीबॉडी ज्यादा बनाएगा, तो ये चीज ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे। ये दोनों चीजों का मिक्स करोगे तो जल्दी असर होगा, एक्सरसाइजेस भी करो और ये लोकल मेथड्स हैं ये भी कर लो, तो उससे आपको जल्दी जो आपको चोकिंग का प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। काफी लोगों के साथ हो रहा है कि लोग काढ़े भी पी रहे हैं इतने ज्यादा, हमारे इंडियन के जो देसी नुस्खे हैं वो सब कर रहे हैं, पर ठीक नहीं हो रहा। ठीक क्यों नहीं हो रहा ठीक, आपकी इम्यूनिटी नहीं आ रही ना, आपकी बॉडी एक्सरसाइज मांग रही है, वो चाह रही है अपनी बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे तभी वो यहाँ पे रिलैक्स होगा, मतलब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, तो जब आप वर्कआउट करोगे अपनी बॉडी का तो ये इससे होगा। ठीक है, और आप ज्यादा प्रोटीन्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, मतलब जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स आते हैं उसके चक्कर में मत पड़ो, मतलब ज्यादा प्रोटीन लेके एक्सरसाइज करना है वो सब मत करिए इस टाइम पे। ठीक है, आप नॉर्मल अपना जो फ्रेश खाना होता है उस पे ज्यादा फोकस करिए, वो ज्यादा बढ़िया है, और
खांसी की दवाइयों में भी मत जाइए, क्योंकि आप जब खांसी करते हैं इट इज एक्चुअली गुड, मतलब आप दूसरों को वायरस देते हो खांसी करते हो तो, बट आप देखो प्रिकॉशन लेके मास्क पहन के खांसी कर लो या प्रोटेक्शन करके हम खांसी करो। खांसी इज ए वेरी गुड थिंग, एक हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जब हमारे गले में या कुछ हमारे फॉरेन पार्टिकल होगा उसको निकालने का डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसको हमें उसको ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, एंटी कफ मेडिसिन होती है उसको दबा देते। I think डॉक्टर साहब सबने अपने questions पूछ लिए हैं और हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं जो आपने एक्सरसाइजेस बताए हैं, ताकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। इन एक्सरसाइजेस ऐसे भी अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, तो वो बहुत फायदा करेंगी हम लोगों को। और किसी के कोई सवाल होते हैं तो सर हम लोग आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे या आपको हम व्हाट्सएप पे जी। और आपने समय दिया सर अपने बिजी शेड्यूल से, और हम लोगों को सभी को फायदा होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और किसी को भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी इन एक्सरसाइजेस के बाद। थैंक यू।